कुछ ही क्षण में पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री चिन्मयानंद जी बाबू बस पधारने वाले हैं। हम सभी लोग, जितने लोग यहाँ भक्त लोग भी बैठे हैं, नाम कीर्तन करेंगे। जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम। जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम। जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम। जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, ओ सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम। मंदिर के प्रांगण के अंदर में मैं यहाँ पर प्रार्थना करूंगा श्री रोधनाथ महाकाल विशाल जी महाराज से, कृपया मंच पर आकर के बापू जी का हार पहना करके स्वागत करें, उनका सम्मान करें। और साथ में मैं प्रार्थना करूंगा इस कथा के आयोजक श्रीमान श्री रमेश चंद्र नेगी जी से कि कृपया मंच पर आकर के बापू जी के स्वागत में उनको हार पहना करके उनका सम्मान करें। हमारे बीच श्री श्याम कुमार शुक्ला जी मेहंदीपुर बालाजी से आए हुए हैं, उनकी पत्नी के साथ में उषा शुक्ला जी के साथ में मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साथ ही हमारी माता जी श्रीमती ललिता जोशी जी, तरु माता जी, साथ में पूजा जोशी जी, श्रीमती नम्रता जोशी जी, श्री सतीश चंद नारंग जी, यहाँ पर से भी प्रार्थना करूंगा कि कृपया मंच आरती के लिए आ जाए। प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मंच पर आ जाइए। और साथ में आए हुए जब हम सभी लोग आरती की ओर, श्री रामायण जी की आरती, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर ही आरती का दर्शन करें। Shared, the
शंकर भगवान। हर हर महादेव। सभी भक्तजन अपने स्थान पर विराजित हो जाएंगे। Thank you.
Jai Ram, Jai Ram.
बाल कृष्ण लाल की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव की, संत समाज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम वंदनीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, उपस्थित भाव भक्तजन, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं को मैं परम कृपालु करुणा वर्णावले भक्तवत्सल भगवान श्री भोलेनाथ और भगवान श्री राम का दिव्य श्रीमय वांगमय रूप यह श्री विग्रह रामचरितमानस महारुद्र श्री विशाल जी महाराज की कृपा से प्रवाहित हो रही है। इन पर्वतमालाओं में वंश निखलाओं के बीच, इन पहाड़ियों वादियों में शब्द परमेश्वर के रूप में स्वयं भोलेनाथ भी प्रवाहित हो रहे हैं। हम सभी किस्मत वाले हैं, बड़भाग्यशाली हैं जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि भाग्यो दयेन बहुजन्म समर्पितेन सतसंगमं चलभते पुरुषो यदा। जीव के जन्म धर्मांतर के भाग्योदय होते हैं तब ऐसे अवसर मिलते हैं प्यारे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म धर्मांतर जब हम पुण्य करते हैं, लगाए हुए हैं, तब यह अवसर मिलता है। तो हमारे आपके पुण्य के कारण एक संत ने करुणा की है, अनुग्रह किया है, और हम सभी क्षेत्रवासी जो लोग यहां पहुंच रहे हैं, किस्मत वाले हैं वे लोग, क्योंकि आवत यही सर अति कठिन है। यह ऐसा सरोवर है, ऐसा मान सरोवर है, ऐसा मानस सरोवर है, यहां पहुंचना बहुत कठिन है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। एक तो ये पर्वत की झाड़ियां और ये टूटे फूटे रास्ते, और उसमें भी गृहस्थी में कितने सारे काम, कितने सारे जंजाल, उन सबसे निकलकर यहां आ पाना कितना कठिन काम है। जब तक जीवन है कोई ना कोई काम लगा रहता है, कभी ये मेहमान आए, कभी वो काम है, कभी वो काम है, कभी बच्चों को संभालना है, कभी रिश्तेदारी को दे देना, कोई ना कोई काम लगे रहते हैं। इन सब चीजों से निकल करके यहां पहुंचना बहुत कृपा की बात है। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे एहि मार्ग सोई। वही आ सकता है जिस पर भगवान कृपा, भगवान आशुतोष कृपा करें। भगवान वह अवगढ़दानी महाकाल, उन्होंने जिसे बुलाया है यहां वही पहुंचते हैं, उन्हीं को प्रणाम करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस आरंभ किया, सादर शिव नाय अब माता। शिव को प्रणाम कर लेना मतलब अंतिम हो गया,
अन्य देवताओं को प्रणाम करते 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 कहीं कोई विकार बच जाते हैं, लेकिन शिव को प्रणाम कर लिया तो बस पूर्ण प्रणाम है। फिर वहां से आए, अब आपको प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, शिव को वंदन कर लिया काफी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे अंत में अब जब कलम स्टार्ट की है राम कथा लिखने के लिए, बस शिव जी को अंतिम बार प्रणाम किया है और वहीं से शुरू कर दिया। सादर शिव ही नाय अब माथा, वर्ण विशद राम गुण गाथा, और वहीं से घोषणा कर दी, नवमी भौम वार वधु मासा अवध पुरी यह चरित पकासा, संवत 1631 परम कथा हरि पद धरि शीसा, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीर्थ पति ही कहाँ चलिया वही, रामचरित मानस यहि नामा सुनत श्रवण पाइय विश्राम। शिव जी को प्रणाम करके बस बाबा तुलसी ने घोषणा कर दी, मतलब शिव को प्रणाम कर लेना अंतिम प्रणाम हो, फिर उसके आगे अब कुछ बचा नहीं। शिव को समर्पित हो जाने का मतलब है पूर्ण विकार रहित हो जाना, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे दिव्य पुरुष हैं जहां कोई विकार नहीं पहुंच पाता, और पहुंचा भी तो खुद अपनी गलतियों से ही नष्ट भी हो गया। कामदेव गया था बाबा को परेशान करने, खुद ही जल गया। तीसरे नेत्र से भोलेनाथ ने देखा ही था, कोई माचिस नहीं लगाना पड़ा, कुछ करना नहीं, केवल देखा और काम बस हो गए। शाहों की निगाहों में अदब का सीर होती है, कई बार सदगुरु आंखों से ही करुणा कर देते हैं, शिष्य की ओर करुणा भरी नजरों से देखा और शिष्य का कमाल हो जाता। भोलेनाथ ने तो केवल देखा ही था, चितवत काम भयउ दर इच्छा, केवल देखा काम गया। भोलेनाथ को प्रणाम कर लेना मतलब पूर्ण विकार रहित हो जाना, क्योंकि भगवान की कथा गाने चले हो। सोचा तुलसीदास जी ने, जरा भी मन में कोई विकार ना हो, अहंकार ना हो, क्रोध ना हो, मोह ना हो, क्योंकि मोहग्रस्त व्यक्ति न्याय नहीं कर पाता है। और मैं निष्पक्ष ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, आने वाली पीढ़ी आने वाले समय में मेरी रामायण से मार्गदर्शन लेंगे तो ये केवल हिंदुओं का न लगे, केवल एक संप्रदाय विशेष का न लगे, संपूर्ण मानव जाति का लगे। यदि मोहग्रस्त चित्त वर्णन करेगा तो वह न्यायपूर्वक वर्णन न होगा। ठीक से समझो इसको, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी समझ में पूरी बात आ जाए, समझना चाहो तो, इसलिए बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग करता हूं, और कोई समझना ही न चाहे यहां आकर के केवल बैठे ही। कई बार तो मैं देखता हूं कि लोग हंसते भी तब हैं जब बगल वाला हंस देता है, और बाद में पूछेंगे क्यों, क्या क्या कहा महाराज जी ने, हम हंसे क्यों, हम लोग ध्यान कहीं और होता है। ध्यान पूर्वक सुनो प्यारे, समझना चाहो तो, मोहग्रस्त चित्त न्याय नहीं कर पाता। ठीक से समझो, हमें अपने बच्चे पर मोह होता है,
इसलिए हमारा बच्चा जब गलती करता है तो उसकी गलती गलती नहीं दिखाई देती, और पड़ोस का बच्चा वही गलती कर दे तो कितना औरमा देते हैं, कितनी उलाहना देते हैं, नालायक है, बिगड़ गया है, बहुत गंदा बच्चा है, थप्पड़ लगाना चाहिए उसको। और वही गलती अपना बेटा कर दे तो अरे बच्चा ही तो है जी, गलती तो हो ही जाती है ना, मोह है, इसलिए न्याय नहीं हो पाया। और सच्चा न्याय वो होता है जहां मोह ना हो, निष्पक्षता। हमारे प्रभु का न्याय ऐसा है, श्रीमद् भागवत में नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति करते हुए बड़ी प्यारी बात कही, न्यायो हि दण्डः प्रतिकिल विषयेऽस्मिन् स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानाम् अपि तुल्यदृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसन। न्यायो हि दण्डः प्रतिकिल विषयेऽस्मिन् स्तवावतारः खल निग्रहाय। हे हरि, आपका न्याय ऐसा है, शत्रु का पुत्र भी अच्छा कार्य कर दे तो आप उसको हृदय से लगा लेते हैं, और खुद का पुत्र भी यदि गलत कार्य कर दिया हो, अपराध कर दिया हो, तो आप मृत्युदंड देने में भी संकोच नहीं करते हैं। प्रभु का न्याय ऐसा है, क्योंकि मेरे प्रभु मदन मोहन है, मद न मोह न, हाँ, न मद है न मोह है। वैसे तो मदन मोहन का अर्थ होता है कामदेव को भी मोह लेने वाले, हाँ, लेकिन अलग अलग शब्दों का अर्थ निकाला जाए, मदन मोहन मद न मोह न, जहां न तो मद है और ना ही मोह। भगवान का न्याय अद्भुत। बाबा तुलसी ने भी सोचा होगा कि रामायण लिखने जा रहा हूं, कहीं मोहग्रस्त न हो जाऊं, कहीं मैं सनातन धर्म की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाऊं, नहीं, मेरी दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चले। इसलिए बाबा तुलसी ने शिव जी को प्रणाम किया कि बाबा जरा देखना ये विकार मेरे भीतर प्रवेश न करे। सादर शिव ही नाय बमाथा वरनो विशद राम गुणगा। सफेद चादर बिछी हो ना तो गंदे पांव लेकर उस पर चलने का मन नहीं करता है, बिल्कुल सफेद चादर बिछी हो, बिल्कुल नई धुली हुई, और आपके पांव में कीचड़ हो तो फिर उस पर चढ़ने का मन नहीं करेगा। भगवान की कथा कैसी है, विमल कथा, जिसमें कोई मल नहीं। इसलिए बाबा तुलसी का मन जरा घबरा रहा है कि बाबा जरा कृपा रखना मेरे मन में कहीं कोई गंदगी न आ जाए, क्योंकि बड़ी स्वच्छ कथा है मेरे प्रभु राम की, बड़ी निर्मल कथा है। विमल कथा कर कीन अरंभा सुनत न साहि काम मददम। जैसे स्वच्छ चादर पर गंदे पांव से चलना संकोच लगता है, ऐसे ही बाबा तुलसी को बार बार इस बात का ख्याल आ रहा है कहीं मन में कोई विकार न आ रहा। उस परम पवित्र ग्रंथ को गाने के लिए, परम कृपालु की कथा गाने के लिए, बड़ी विमल कथा है जिनकी, उस करुणाविधान की कथा को गाने के लिए हमारा मन पवित्र हो। और पवित्र तब होगा जब मन में कोई विकार न होगा, और विकार कैसे न होंगे, बोले भोलेनाथ की जब कृपा होगी, क्योंकि भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जिनसे सारे विकार डरते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब भोलेनाथ से डरते हैं। और वही भोलेनाथ जब हमारे हनुमान जी के रूप में आ जाते हैं ना, तो फिर ये सारे नौ ग्रह भी उनसे डरने लग जाते हैं। शनि हो, मंगल हो, राहु, ये जब तो नाम सुनकर बात खड़े होते हैं। हनुमान जी को खुश कर लो तो सारे ग्रह अपने आप, ये शनि बनी अपने आप खुश हो जाते हैं।
हनुमान जी के विषय में ऐसी कथा है, ये शनि है ना सबके ऊपर चढ़ता है, कभी अढ़ैया कभी साढ़े साथी सबके ऊपर सबको पकड़ता है। तो घूमते घूमते हनुमान जी के ऊपर भी आया। हनुमान जी ने कहा कि भाई तुम यहां कैसे? शनि ने कहा महाराज मैं तो सबके ऊपर चढ़ता हूं, आपके ऊपर भी आऊंगा। हनुमान जी ने कहा भाई मुझे क्यों परेशान कर रहा है, मुझे बहुत सारा राम कार्य करना है, मेरे ऊपर कहां चढ़ेगा, परेशान हो जाएगा तू खुद भी मेरे साथ। शनि ने कहा कि नहीं नहीं हनुमान मैं तो सबके ऊपर चढ़ता हूं, आपके ऊपर भी आऊंगा। हनुमान जी ने बहुत कहा कि देखो भाई तुम सूर्य के पुत्र हो, मैं सूर्य का शिष्य हूं, हम दोनों रिश्ते में भाई भी लगते हैं, क्यों परेशान करोगे मुझे। शनि ने कहा नहीं मेरी तो बारी है, मैं तो आऊंगा ही। बार बार मना किया कि देखो परेशान हो जाओगे, मैं बंदर हूं यहां से वहां दौड़ता रहता हूं, कहां दौड़ोगे मेरे साथ। शनि ने कहा नहीं मुझे आना। बार बार मना करने पर भी जब नहीं माना तो हनुमान जी ने कहा ठीक है आओ बाद में तुम समझना। बोले ठीक है। और शनि ने कहा कि मेरी बारी है तो मुझे आना पड़ेगा, नाराज मत होना। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्यारे आ जाओ, लेकिन शुरू कहां से करोगे। शनि ने कहा कि मैं आता हूं तो ऊपर से आता हूं, पहले सिर पर आऊंगा, बाद में धीरे 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 पैरों से निकल जाता हूं। हनुमान जी ने कहा ठीक है सिर पर बैठना है तो बैठ। और जैसे ही शनि सिर पर बैठा तो हनुमान जी, तो हनुमान जी बहुत सारे कार्य करने होते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा पर्वत उठाया और सिर पर रख लिया। शनि देवता तो बोले महावीर छोड़ो, चिल्लाने लगा सिर। हनुमान जी ने कहा इतनी जल्दी घबरा गए, अभी तो तुम्हें 7.5 साल रहना है ना। अरे बोले 7.5 मिनट जीना मुश्किल है, हटाओ ये पत्थर। हनुमान जी ने कहा तो फिर प्रॉमिस कर आज के बाद मेरे ऊपर और मेरे भक्तों के ऊपर भी नहीं आएगा। शनि ने कहा महाराज जो आपका नाम ले लेगा मैं वहां से भी बाहर खड़ा हूं। वो हमारे हनुमान जी, वो है हमारे भोलेनाथ, हाँ एकादश रुद्र है हनुमान जी महाराज, भगवान शिव के ही अवतार है। शिव के रूप में है तो ये सारे विकार डरते हैं। तब शिवती शरणयन उभारा चितवत काम भयंकरि छाया। काम को नष्ट नहीं किया, काम के बुरे विचारों को नष्ट, क्योंकि जब काम पूरी भावना लेकर आया तब जलकर भस्म हुआ। और वही काम जब भगवान के विवाह में राघव के लिए ठाकुर के लिए घोड़ा बनकर आया ना, तो 15 नेत्रों से भोलेनाथ ने काम को देखा, तब भी काम नष्ट नहीं हुआ। नैन पंचदश अति प्रिय लाए, यहां आया तो तीसरा नेत्र खुला और काम जलकर भस्म हो गया। लेकिन राम जी के विवाह के समय कामदेव घोड़ा बना, ठाकुर उस पर बैठे हैं और ब्रह्मा विष्णु सब आए हैं ना, तो भोलेनाथ के सामने बार बार कामदेव आ रहा घोड़ा बनकर और बड़ा ठुमक ठुमक कर चल रहा है। भोलेनाथ ने कहा तू मेरे सामने इतना क्यों बुद्ध कर रहा है। कामदेव ने कहा कि हिम्मत हो तो आज दिला कर दिखाओ। भोलेनाथ ने कहा कि प्यारे तब तू अकेला आया था और आज भगवान को अपने सिर पर बिठा कर आया है, जिसके ऊपर ठाकुर स्वयं बैठे हों उसका कौन क्या बिगाड़ पाए, मालिक जिसके ऊपर बैठा है। शिव ने काम को नहीं काम के बुरे विचारों को जलाया, इसलिए सारे ग्रह बहुत घबराते हैं हनुमान जी से और सारे विकार घबराते हैं भोलेनाथ से। इसलिए बाबा तुलसी ने शिव जी को प्रणाम करके राम कथा गाई है, सादर शिव ही नाम ही अगमान। भगवान को वंदन करते हुए आइए चलते हैं जनकपुर की ओर, जहां भगवान यात्रा कर रहे हैं श्री जनकपुर की। बड़ी प्यारी भूमि है जनकपुर में, मैंने तो दर्शन किया है जनकपुर धाम का, बहुत प्यारी भूमि है। और इतनी पवित्र भूमि है, इतनी प्यारी भूमि है, कभी मौका मिले तो प्यारे एक बार जनकपुर जरूर जाना, बहुत सुंदर भूमि।
मैं पूरी धरती पर कई देशों में गया, भारत के लगभग सभी प्रांतों में मैं गया, लेकिन जो भाव मैंने जनकपुर में देखा सियाजो के प्रति, भगवान राम के प्रति, मानवता के प्रति, इंसानियत के प्रति जो प्रेम जो भाव जनकपुर में है, शायद वो धरती के किसी और क्षेत्र में नहीं होगा। और वहां जनकपुर के लोग कहते हैं कि मेरे सरकार, मेरे प्रभु जब जनकपुर आए ना तो जनकपुर छोड़कर फिर गए नहीं। जो राम जी अयोध्या गए ना वो तुम्हारे अलग राम जी होंगे, हमारे राम जी तो जनकपुर में रहते हैं, हमारी सियाजू कहीं गई नहीं। और ऐसा लगता है कि शायद आज भी प्रभु वहां ही रहते हैं, अद्भुत प्रेम की दरार। और क्यों ना हो, क्योंकि जहां का राजा ही ऐसा हो, विदेह राज हो, देह से ऊपर उठ चुका हो, जो देह पर आसक्त न रहता हो वो विदेह राज। देखो जब तक व्यक्ति देह पर आसक्त है तब तक कोई ना कोई अपराध करता रहता है, कोई ना कोई भूल करता रहता है, क्योंकि ये सारे सुख शरीर को चाहिए और सुख प्राप्त करने के लिए इंसान फिर गलत कर्म करने में भी बाज नहीं आता। चोरी, बेईमानी, ब्लैकमेलिंग, ये दो नंबर के कार्य किस लिए होते हैं? बोले सुख के लिए। तो सुख किसको चाहिए? ये शरीर को चाहिए। लेकिन जनक महाराज ऐसे हैं पूर्णतया निर्विकार, निर्दोष, क्योंकि इन सब की जो जड़ है देह है, इनसे ही ऊपर उठ चुके हैं। विदेह राज, शरीर में आसक्ति नहीं है। मैं हरिद्वार में एक बार गंगा के किनारे घूम रहा था, शाम का वक्त था, तो मैंने देखा एक महात्मा जी गंगा के किनारे बैठे हैं अकेले, थोड़े बुजुर्ग थे, थोड़ा उनका शरीर कांप रहा था। मुझे दया आई, मैंने जाकर कहा कि बाबा ऐसा लग रहा है कि आपको ठंडी लग रही है, मैं कंबल लाऊं क्या? एक कंबल दूं आपको? महात्मा ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि बेटे ये शरीर भी मिट्टी है, कंबल भी मिट्टी है, अब एक मिट्टी के ऊपर दूसरी मिट्टी और क्या डालो, छोड़ो रहने दो। और उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या महात्माओं के भाव होते हैं कि ये शरीर भी मिट्टी है, कंबल भी मिट्टी है, इस मिट्टी के ऊपर दूसरी मिट्टी क्या है। बात बड़ी साधारण सी लेकिन है बहुत गहरी। जो देह से ऊपर उठ चुका है ऐसी बातें वही बोल सकता है। और हमारा पूरा ध्यान देह पर ही होता है, और भाइयों से ज्यादा तो माताओं का ध्यान होता है। आई ना मिल जाए माताओं को, बस दो तीन घंटे चिपक ही जाती। शरीर से जो ऊपर उठा है वही विदेह है। और ऐसे विदेहराज की बेटी हैं हमारी माता जगदम्बा सियाजो। ऐसी भूमि की ओर भगवान आगे बढ़ रहे हैं। आप रामायण पढ़कर देखना, अयोध्या नगरी, जनकपुर नगरी, लंका नगरी, तीन नगरों की कथा केंद्र में। और इन तीनों नगरों को आप जरा गौर से देखना, अयोध्या नगरी में सब राम के भक्त ही नहीं है, एक वहां भी राम की विरोधी है मंथरा, और लंका में सब राम के दुश्मन ही नहीं है, वहां भी एक राम को प्यार करने वाला है विभीषण। दोनों नगरों में गुण अवगुण दोनों है, हाँ, लेकिन जनकपुर नगरी को देखो, यहां कोई विकार नहीं, कोई अवगुण नहीं, क्योंकि ये सियाजू की भूमि है, हमारी माँ पराम्बा की भूमि है। और माँ जहां अवतरित हो कौन उस भूमि को वर्णन करे, हाँ, जगदम्बा जहां अवतरी सो गुण वर्णी की दा। ऐसी पवित्र धरा पर भगवान राम के कदम प्रवेश कर रहे हैं, बाबा तुलसी वर्णन किए। हर्षि चले मुनि बृंद सहाया, हर्षि
कर रहे हैं। हर नगरी कैसी दिखाई दे रही है, गौर से जरा सुनो आगे की चौपाई। वहां के लोग कैसे हैं, चाहते हो कि बच्चे सन्मार्ग पर चलें तो पहले तुम खुद चलो, क्योंकि तुम जैसा चलोगे बच्चे तुम्हारा ही प्रतिफलन होंगे, तुम्हारा ही अनुकरण करेंगे। इसलिए सावधान, बड़े लोग जैसे मार्ग पर चलेंगे छोटे ही उनका अनुकरण करेंगे। उदाहरण में आप देखो, जनक जी स्वयं विदेहराज हैं तो पूरी प्रजा भी संत है, राधा ही बेईमान हो तो प्रजा भी वैसी होती है। पता है आजादी के इतने वर्ष बीत गए, 70 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी हमारा भारत देश दुनिया की कई देशों से पीछे है। उसका कारण यही है, क्योंकि हमारे यहां सत्ता में आने वाले राजा ही ज्यादातर बेईमान है, ये सारे नेता ही ज्यादातर बेईमान, सभी नहीं कुछ लोग, और थोड़े से लोगों के कारण पूरी राजनीति बदनाम हो गई। बाहर के देशों में भी लोग भारत के नाम पर हंसते हैं, उसका कारण है कि जब राजा खुद ही घोटाला करे तो प्रजा ईमानदार कैसे हो, और सारे बेईमान मिलकर के अंग्रेज तो लूट ही लिए, उसके बाद ये सारे बेईमान लोग फिर देश को लूटना शुरू कर दिया। यही सिपाही कौन है, हनुमान जी राम द्वारे तुम रखवारे, इस सिपाही को हमरी ना मानो सिपहिया से बेईमान होती चली गई।
वरना तो भारत की तसली रहे तो कहीं। और फिर बेईमानी हमारे भीतर घुसी और आज भी उसी रोग से हम पीड़ित हैं। इसलिए बड़े लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरे द्वारा कहीं कोई ऐसे शब्द न निकले जो आपके दिल को चुभे, तकलीफ दे। ऊपर बैठने वाले की जिम्मेदारी बहुत ऊपर हो जाती है क्या? हर किसी को मौका तो नहीं दिया जाता। अब देखो, मैं चाहूं तो आप जहां बैठे हैं वहां मैं आकर बैठ सकता हूं, लेकिन आप में से हर कोई चाहे यहां आकर के बैठे मेरी जगह नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहां बैठने का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। घर के जो मुखिया हैं, घर के जो मालिक हैं, नगर के जो मुखिया हैं अथवा तो राष्ट्र के जो मुखिया हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्यारे उसकी। ऐसे हर किसी को तो बड़ा नहीं बना दिया जाता। यदि बड़े हुए हो, मुख्य बने हो, तो फिर उस मुख्यता का धर्म भी निभाना। तुम जैसा चलोगे, याद रखना, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारा अनुकरण करेगी। एक बेटे ने अपने बाप को, जो बूढ़ा हो गया था, तो 5 मीटर कपड़े लाकर दिया भगवे रंग के और कहा, पिताजी ये लो, बहुत रह गए घर में, अब संन्यास ले लो और हरिद्वार चले जाओ। बाप को बड़ा दुख लगा, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। उसने आधे कपड़े में से, उस कपड़े में से आधा फाड़ा और बेटे को दे दिया, बेटे ये तुम रखो। उसने कहा, नहीं पिताजी, आपका आशीर्वाद है ना, ये आपके लिए था 5 मीटर, आपका बहुत आशीर्वाद है, मेरे पास सब कुछ है। तो बाप ने कहा उसको, आज सब कुछ है ना, लेकिन कल को जब तेरा बेटा तुझे संन्यास पर भेजेगा ना, तो वो तुझे 5 मीटर कपड़ा भी न देगा, इसलिए आधा रख ले, काम आएगा उस वक्त। तुम जैसा करोगे आने वाली पीढ़ी भी वैसा ही करेगी। ये फैक्ट है। महाजनो ये अंकता सपन था, राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसी होगी। स्वयं राजा जनक विदेहराज हैं, पुर नर नारी सुभग सुति संता। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, आज रात्रि हम यहां रुक रहे हैं क्या? शाम तो हो ही गई है, कौन जनक जी को परेशान करे, बेचारे परेशान हो जाएंगे, चलो आज रात्रि हम वन में रुकते हैं। प्रभु ने कहा, जो आज्ञा देंगे। तो सारा सामान इत्यादि जो लेकर चल रहे थे वहां वन में रखा गया बगीचे में, और शाम हो रही थी। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, मैं जरा संध्या वंदन कर लेता हूं। प्रभु ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। तो गुरुदेव संध्या वंदन करने के लिए बैठ गए। राम लक्ष्मण दोनों भाई उसी वक्त बगीचे में घूमने चले गए, और उसी समय यह समाचार किसी ने जनक महाराज को बता दिया कि महाराज, हमारे नगर के बाहर विश्वामित्र मुनि आ चुके हैं। जब जनक महाराज ने यह सुना, देखो महाराज जनक जी की क्या प्रतिक्रिया है सुनने के बाद। इतने बड़े राजा हैं, धन की कोई कमी नहीं, स्वयं जगदम्बा जिसके यहां पुत्री बनकर आई हो, ऐसा महापुरुष विश्वामित्र के आगमन की समाचार सुना तो क्या रिक्त किया। विश्वामित्र महामुनि आए
विश्वामित्र महाराज से मिलने के लिए गर्भ निगम में पड़े। ये राधा की सरल कार्य, इतने विद्वान, इतने धनवान, इतने सामर्थ्यवान, लेकिन फिर भी सरलता को देखो, विनम्रता को देखो। एक संत आए हैं ये सुनते ही दौड़ आए, विश्वामित्र जी को वंदन किया, स्वागत किया, सम्मान किया। विश्वामित्र जी ने अपने बगल में बिठा लिया, बातें करने लगे, कुशलता पूछी। और अभी बातें चल ही रही थी दोनों की, यही अवसर आए Thank you.
बाबा जी तो सबको ऐसे ही बताते रहेंगे, और ये ऐसे ही बताते रहे तो मेरी तो सारी लीला बिगड़ जाएगी ना, सबको पता लगेगा कि मैं ईश्वर हूं, पर भगवान बताना नहीं चाहते। अब रोके भी तो कैसे विश्वामित्र जी को, तो भगवान ने एक उपाय किया, आदेश देना ठीक न था, गुरुदेव हैं, बीच में बोलना भी ठीक न था, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो भगवान ने तीसरा उपाय किया, विश्वामित्र जी की ओर भगवान देखते देखते मन ही मन मुस्कुराने लगे, मन मुस्काही राम सुनिवार, और पता है मेरे प्रभु राम की मुस्कान धार कर देने वाली, जिसकी ओर एक बार देखकर मुस्कुरा दिए ना वो गया। रामायण आपने पढ़ा होगा तो आपको ज्ञान होगा, खरभूषण आया है जिस वक्त भगवान से युद्ध करने के लिए, तो जब सामने आया ना और मेरे प्रभु को देखा, खरभूषण की दानत बदलने लगी। खरभूषण ने सोचा कि है बड़ा सुंदर, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि इसने मेरी बहन को कुरूपा किया है, लेकिन नहीं ये मारने योग्य नहीं है, क्या सौंदर्य। खरदूषण जैसे असुर की भी बुद्धि बदल दे ऐसी मुस्कान है मेरे प्रभु राम की। हाँ, चंदन सरबत चंकल ज्यादा सुंदर है या राम जी ज्यादा सुंदर है, कौन ज्यादा सुंदर है निर्णय किया जाए। अब आप खुद सोचो कौन सुंदर ज्यादा है, दोनों एक से बढ़कर एक, हाँ किसको कम बताओगे। और स्वाभाविक है चर्चा वृंदावन में हो रही थी, तो वृंदावन वाले कृष्ण को ही आगे करेंगे, बोले देखो भाई हमारे कृष्ण से ज्यादा सुंदर तो धरती पर कोई हो ही नहीं सकता है, त्रिभुवन को भी आकर्षित कर ले ऐसा सामर्थ्य है उनके सौंदर्य में। एक बार जब निकल जाते हैं ब्रज की गलियों में ना, तो 5 वर्ष की बालिका से लेकर 90 वर्ष की वृद्धा तक सब आकर्षित हो जाती है उनके सौंदर्य पर, और कहीं बांसुरी बजा दिया फिर तो तीनों लोक की देवियां भी आकर्षित होकर भागी चली आती हैं। जिस वक्त बांसुरी बजाया, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, आदग मुरण्योम्यमलक्षितो यमा
अवलोद कुंडला ऐसी बांसुरी बजाया पदनंग वर्धन कामना को बढ़ाने वाला वह गीत और पूरा त्रिभुवन पूरा त्रिलोक मोहित होकर के भागता चला है। क्या सौंदर्य त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम रविकर गौर बरांबरम दधाने वपुर लकुलावृतानाभुजम् निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम निशम्य गीतम सबसे सुंदर है ना। बोले हाँ मानते हो आपके कृष्ण सबसे, उनसे सुंदर तो कोई नहीं। बोले नहीं। अयोध्या वालों ने कहा बस मुझे इतना ही कहना है कि मेरे जो राम जी है ना वो तुम्हारे कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर है। बस लो ये तो घर में घुसकर दादागिरी हुई ना। वृंदावन में वो तो राम जी की तारीफ कर चिड़ गए सब ब्रजवासी। काम ही नहीं महाराज ऐसा नहीं। आप प्रमाण में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप क्या प्रमाण है आपके पास? अयोध्या के संतों ने कहा कि बस एक ही प्रमाण है, तुम्हारे कृष्ण को देखकर ब्रज की गोपियां मोहित हो गई। ठीक? बोले हाँ। देवताओं की स्त्रियां मोहित हो गई? बोले हाँ। ऋषि पत्नियां मोहित हो गई? बोले हाँ। यही है, सब मोहित हो गए। तो कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी रूपवान पुरुष को देखकर कोई स्त्री मोहित हो जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पुरुष को देखकर पुरुष मोहित नहीं होता है। और हमारे राम जी ऐसे हैं जिनको देखकर परशुराम मोहित हो गए, मारीच मोहित हो गया, खरदूषण मोहित हो गया। हमारे राम जी बहुत एक तो वैसे भी सुंदर है और इसमें भी जब कभी मुस्कुरा कर देख लेना। देखें और दीवाना कर दे, देखे और दीवाना कर दे, शायद उसको एक बार देखा और दीवाना कर दिया। क्या बात है मेरे प्रभु,
जिधर देखता है उधर सरकार ही नजर आने लगे। ये मेरे प्रभु की नजरों की कमाल। सजदे अनंत की तारी कीने जमुना के किनारे बैठी थी, आंख बंद की हुई। नारद जी ने आकर गोपी को साष्टांग प्रणाम किया। गोपी ने कहा, क्या कर रहे हो महाराज? बोले, धन्य हो देवी, मैं सोच रहा था ऐसा क्या है गोपियों के पास जो कृष्ण बंधे हुए रहते हैं। गोपियों के पास आज मुझे पता चला, कितना ध्यान करती हो आप लोग आंख बंद करके। गोपी ने कहा, बाबा जी मैं कोई ध्यान व्यान नहीं कर रही हूं। तो बोले, मैं ये कोशिश कर रही हूं कि कैसे कृष्ण मेरे दिल से निकल जाए, जब से आपका बैठा है निकल ही नहीं पा रहा, भगा रही हूं और बार बार चला रहा। भूलना चाहूं भूलना आगे की चौपाई पढ़कर देखो रामायण में। जैसे ही भगवान मुस्कुराकर विश्वामित्र जी की ओर देखे ना, विश्वामित्र गायब हो गए और तुरंत बात बदल दिया। अभी कह रहे थे ना ईश्वर है, परमात्मा है। अगली चौपाई पढ़कर देखो, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। सुनो, मुझसे भूल हो गई क्या? बोले, ये कोई भगवान नहीं है, तो दशरथ जी के बेटे हैं, मेरे कारण के वन में आए हैं, बाकी ये कोई ईश्वर नहीं। अब जनक जी मुस्कुराने लगे। जनक जी ने कहा, महाराज अब कितने ही बहाने बनाओ, मेरी आंखें इनको पहचान गई हैं, ये साक्षात ईश्वर है। फिर भी आप कहते हो कि नहीं राजकुमार है, तो महाराज राजकुमार ये वन में तो नहीं रह पाएंगे ना, चलिए हम हमारे महल में लेकर चलते हैं। और एक बड़ा सुंदर महल, सुंदर सदन ए सुखद सब काला, ए सुंदर सदन सुखद सब काला, कहां वासुदेव दीन हुआ। बड़ा सुंदर सदन है, यहां तक कि जनकपुर नगरी का सबसे खूबसूरत सदन है, बहुत प्यारा। कहां वासुदेव दीन हुआ, वहां भगवान का उतारा। रात्रि भगवान विश्राम करते हैं। थोड़ा संक्षेप में आपको बताऊं, अगले दिन सुबह भगवान नगर देखने के लिए गए हैं और देखते देखते शाम हो गई है। सूर्यास्त के वक्त भगवान लौटे, नगर के लोगों पर भगवान ने मोहिनी डाल दी। जिसने जिसने भी देखा सब भगवान के रूप माधुरी के दीवाने हो गए। शाम हुई,
लौटे हैं नगर देखकर बड़ा भव्य स्वागत किया गया भगवान का नगर में। पुर नर नारी जिसने भी देखा सब दौड़ने लगे भगवान के दर्शनों के लिए। धाये धाम काम सब त्याग, काम धाम छोड़कर लोग दौड़े, जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में दौड़ा, सब भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करने। शाम हो गई, भगवान लौटे हैं, थोड़ा डर भी रहते थे गुरुदेव कहीं डांट न लगाए, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। तो बाबा तुलसी को यहां भी हंसी आ रही थी कि देखो तो जिसके नाम को सुनकर काल भी डर जाता है बेचारा, आज वो ईश्वर एक भक्त के कारण डर रहे हैं। भजन प्रभाव लिखा वही दास त्रास डर कहूं डर हुई। हाँ, भक्ति के प्रभाव में भगवान भी कितने बंधेदार थे। शाम हुई, जब गुरुदेव विश्राम करने के लिए गए तब राम लक्ष्मण दोनों भाई उनकी सेवा में गए। गुरुदेव जब नींद आने लगी गुरुदेव को सेवा करते करते आदेश दे दिया, राघव अब तुम दोनों भी सो जाओ। तब भगवान राम शयन करने गए और लक्ष्मण जी भगवान की सेवा में, फिर लक्ष्मण जी भी विश्राम करने गए। तीनों के सोने का क्रम ऐसा रहा, पहले विश्वामित्र, फिर प्रभु राम, फिर लक्ष्मण। लेकिन जब उठने की बारी आई तो ए उठे लखन ऋषि विगत सुनी अरुण शिखा धुनी रामायण ये कहती है कि भाई पहले युवाओं को जल्दी जगना चाहिए, फिर थोड़ी उम्र दिन की बड़ी हो वो बाद में उठे। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा सोना चाहिए तो और बाद में उठे, सबसे पहले युवाओं को जल्दी जगना चाहिए। हाँ, जिस राष्ट्र का युवा जागरूक है वह राष्ट्र बहुत जल्द तरक्की करता है। युवा ने सोई न को जगे हुए हैं। सबसे पहले लक्ष्मण जगे और जब दोनों भाई जग गए, गुरुदेव भी जग गए। स्नान करने जब गुरुदेव गए तो दोनों भाइयों को लगा कि अब गुरुदेव स्नान करके आएंगे तो पूजन के लिए पुष्प चाहिए ना, तो चलो हम दोनों जरा पुष्प लेने चलते हैं। और यहां से मानस का एक बहुत प्यारा प्रसंग आरंभ हो रहा है, पुष्प वाटिका प्रसंग, जहां पर भगवान की मुलाकात सियादु से हुई है। मानस के श्रृंगार रस का वर्णन यहां से शुरू हुआ है, लेकिन बहुत मर्यादा में। हमारे बाबा तुलसी बड़े मर्यादित कवि हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं लेकिन पूरी मर्यादा में। समय दानी गुरु लेन प्रसून चली दो इसलिए समय था।
समय दान कर भगवान करे। या तो फिर एक संत ने कहा नहीं बगीचा खुलने का कोई समय होता था, सोचा प्रभु ने किया वो बगीचा खुलने का समय अब चलते हैं इसलिए समय था। या तो मिथिला के जो रसिक संत हैं वो ऐसा कहते हैं कि कल जब तुम्हारे राम जी हमारे नगर में घूम रहे थे ना तो उस वक्त सखियों ने पुष्प बरसाया था, ये हर्ष ही बरस ही सुमन, वो सखियों ने भगवान को फूल गिराकर इशारा किया था। देखो सरकार आप केवल नगर देखने नहीं आए हो किसी और को देखने आए हो, हाँ पर आप जिनको देखने के लिए गलियों गलियों में घूम रहे हो ना वो यहां नहीं दिखाई देगी। फूल गिराकर इशारा किया कि कल फूल वाले बगीचे में आ जाना वहां मिल जाएगी। तो प्रभु राम ने सोचा कि अब सियाजू के आने का समय हो रहा है वो समय दान कर करो। समय दानी गुरु समय दान गुरु की आज्ञा का बगीचे में प्रवेश करते हैं प्रभु। और जैसे ही भगवान के कदम बगीचे में पड़े हो सुबह का वक्त था, कुछ फूल खिले थे और कुछ सूर्य की प्रतीक्षा में थे, सूर्य उदित हो जाए तब खिलेंगे, लेकिन जो सूर्य को देखकर खिलने वाले थे ना जैसे ही सूर्यवंशी राम के कदम पड़े आज सारे फूलों में अचानक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सारे फूल खिल गए। जो अनखिले थे वो भी खिल गए। और एक संत ने कहा कि नहीं आज बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी फूल का वेश ले लेकर वहां किनारे खड़े हो गए। एक बार सरकार हमें छू ले बस धन्य धन्य हो जाएंगे, एक बार केवल हमारी ओर निहार ले जो कई जन्मों से साधना रत थे ऐसे महात्मा लोग भी फूल का वेश लेकर वहां किनारे खड़े हो गए और भगवान अपने कोमल हाथों से पुष्प चुनने लगे। दोना बनाया है, एक हाथ में दोना लिए हैं पत्तों का और दूसरे हाथों से भगवान चुन रहे हैं पुष्पों को, खुद देख रहे कि नहीं ये वाला नहीं ये देता हूं ये भी ठीक नहीं है, ऐसे भगवान पुष्पों को चुन रहे हैं। और दो चार पुष्प भगवान ने अभी चुने ही थे उसी समय तेही अवसर सीता बगीचे में आ रही, स्नान करके गिरिजा भवानी का पूजन करती हैं, ये नित्य का क्रम है माता। आज भी अपने सखियों के साथ बाबा तुलसी के शब्द संग सखी सब सुभग
के मंदिर में गई, वहां बड़े भाव से पूजन करने लगी। तब एक सखी ऐसी थी उसका पूजन में मन नहीं था, उसी ने बगीचे में दोनों भाइयों को देख लिया और जब उसने देखा कि एक शाम एक गौर वर्ण आया, आनंद मग्न हो गया। भागती हुई सीता जी के पास आई और कहने लगी कि सिया छोड़ गौरी का पूजन, बाद में कर लेना, पहले चल। वो दो राजकुमार जो कल हमारे नगर में आए थे, सारे नगर ने देखा था तू बच गई थी, आज तेरे पास से बगीचे में आए हैं, पहले उनका दर्शन कर ले। सियाजू ने कहा कि लेकिन मंदिर की पूजा छोड़ कर उनका दर्शन करो, ये तुझे क्या हो गया है, कभी तू रो रही है कभी हंस रही है। हाँ, उस सखी ने कहा कि सीता क्या बताऊं, इतने सुंदर हैं, इतने खूबसूरत हैं, ऐसा लग रहा है कि बस उनको अपनी आंखों में देखा है। सीता जी ने कहा कि इतने सुंदर हैं, कुछ तो बताओ ना कैसे हैं। तो सखी ने कहा कि मैं कैसे बताऊं सीता, आंखों ने देखा है पर आंख तो बोल नहीं पाती और जीव बोल पाती है पर जीव उस वक्त अंदर थी, उसने तो देखा ही नहीं। गिरा अनैन नैन बिन बानी, हाँ इतना कह सकती हूं एक शाम है और एक गौर है, बस शाम गौर किन कहम बखान। और जब सीता जी ने सुना श्याम वर्ण, अचानक नारद जी के वचन याद आए, सुमिर सी के नारद वचन। जब छोटी थी सीता तब नारद जी ने आकर कह दिया था कि बेटी इस बगीचे में कभी कोई पुरुष नहीं आएगा, पहली बार कोई पुरुष आए और श्याम रंग का हो ना तो समझ जाना वही तेरा पति होगा। और आज श्याम वर्ण सुनते ही सीता जी को नारद के वचन याद आ गए, सुमिरसी नारद वचन। उपजी प्रीत पुनीत, मन में पुनीत और पवित्र प्रेम उत्पन्न हुआ और उसी सखी को आगे करके सीता जी आती हैं और राम सीता जी के यहाँ मुलाकात हुए, परिचय हुआ। केवल नजरों नजरों में संक्षिप्त में आपको बताऊं, और जब सीता जी ने भगवान के दर्शन किए हैं तब सीता जी के मन में एक कामना आ गई और उसी कामना को लेकर गौरी जी का बड़े भाव से पूजन किया है और माँ गौरी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। सीता जी इतनी प्रसन्न हुई वरदान पाकर कि सीता जी के बाएं अंग फरक उठे। मानस ऐसा कहती है कि माताओं के बाएं अंग फरकें और पुरुषों के दाहिने अंग फरकें तो शुभ होता है। बाई आंख, बायां कान, बाई तरफ का लेफ्ट साइड का कोई भी अंग फरक जाए ये शुभ होता है, शगुन होता है, और पुरुषों का दाहिना राइट साइड। लेकिन एक शर्त है, वो फरक कर बंद हो जाए तो 5-7 घंटे फड़कता ही रहे ना, डॉक्टर को दिखा लेना, गलत मत करना। 4-5 घंटे फड़कता रहे तो आप ये मत सोचना बापू ने कहा तो शुभ है, दान गौरी अनुकूल सी हर सुमदान। और फिर सीता जी आती हैं, राम लक्ष्मण दोनों भाई भी पुष्प लेकर आए, गुरुदेव पूजन करते हैं,
आशीर्वाद दिया, सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। धनुष भंग का अवसर हजारों हाथियों के द्वारा धनुष को बीच में लाया गया खींचकर। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, बड़े बड़े वीर योद्धा लोग वहां पहुंचे हैं। भगवान राम भी आकर विराजमान हुए सभी से ऊंचे एक विशाल मंच पर। सब लोग आ गए, सारे ऋषि महात्मा लोग आ गए, नगर की पूरी प्रजा वरिष्ठ जन वहां विराजमान हो गए। और तब सियादू को भी वहां लाया गया। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर। और तब जनक के दूतों ने महाराज जनक का प्रण बताया। बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपा, पन विदेह कर कहि हम अब भुलाहु कार्य विषा। हे बोले बंदी वचन वर, बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपा। हे देश देश के राजाओं महाराजाओं सुनो, मेरे महाराज जनक का ऐसा प्रण है कि आप लोगों के मध्य में जो शिव जी का अपना धनुष रखा है, इसको उठाकर और प्रत्युता चढ़ाए, भले ही टूटता उसके साथ मेरी वैदेही का उसके साथ विवाह किया जाए। तो आप लोग अपना अपना बल आजमाने के लिए उठिए और प्रयोग करिए। तो कहते हैं कि पहली पंक्ति का पहला राजा भुजाओं को फटकारता हुआ चला धनुष की ओर, मुझ पर दाव देता हुआ भुजाओं को फटकारता हुआ। ऐसा लग रहा था धनुष नहीं पूरा भवन उठा डालेगा। बड़े अहंकार के अभिमान, लेकिन आया पकड़ा धनुष को, बड़ी कोशिश की, बड़ी हिम्मत, लेकिन धनुष हिला। असल में जब वो जा रहा था तो उसके बगल में जो राजा बैठा था उसने गणेश भगवान को प्रार्थना किया था, हे गणपति इससे धनुष नहीं टूटेगा ना तो मैं 4 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा आपको। भगवान ने ऐसी प्रार्थना की, गणेश जी ने सोचा कि चल भाई ये तो फायदे की बात है, हर राजा जाकर धनुष में लग गया लेकिन धनुष हिला। तो सब मूर्खों ने मिलकर भी ट्राई किया। धूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन कर ही मिटा रहा हूँ। तो 10,000 पकड़े, 10,000 के हाथ हो गए 20,000, 20,000 हाथों से धनुष को पकड़ा है तो धनुष टूटती भी कहां से, कोई जगह भी तो नहीं खाली थी ना टूटने की। हाँ, हर राजा एक बिल्कुल सदा सदा पर पकड़े हुए, कहां से टूटे धनुष। 10,000 राजाओं ने भी कोशिश कर ली लेकिन अब इसके 2-3 अर्थ हैं। रूप सहस दस, एक संत ने ऐसा कहा, सहस मतलब सहस्रार्ध, दस मतलब दशानन। ऐसे ऐसे लोग भी आकर धनुष में अपनी ताकत दिखा दिए लेकिन धनुष हिला नहीं। या तो एक संत ने कहा कि नहीं, रूप सहस दस एक ही वारा, वार का मतलब होता है दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, वार मतलब दिन। तो एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने कोशिश कर ली लेकिन फिर भी धनुष हिला नहीं। तो सब राजा ये सोचकर बैठ गए कि हो सकता है अब जनक जी अपना प्रण चेंज करें, वे जो किसी से नहीं टूटा, तो कुमारी थोड़ी रखेंगे अपनी बेटी को।
शायद होगा जनक जी अपना प्राण चेंज कर दें और अपनी बेटी से कहें कि बेटी यहाँ बड़े सुंदर सुंदर लोग आए हैं, जा माला लेकर जा, तुझे जो पसंद है उसके गले में पहना देना, वो तेरा पति। तो सब राजाओं ने सोचा कि भैया क्या पता अपना ही नंबर आ जाए, ये सोचकर सब वहां बैठे रहे। तब जनक महाराज को बहुत क्रोध आया और जनक महाराज ने खड़े होकर सभा में फटकार लगाई, कहा देश देश के महाराजाओं राजाओं राजकुमारों वीरों सुनो, मैंने प्रण इसलिए किया था कि मैंने धरती पर वीर सोचा, लेकिन मुझे क्या पता यार धरती वीरों से खाली हो गई, इससे तो अच्छा होता मैं ऐसा प्रण ही न करता। सुन लो राजाओं यहां जितने लोग बैठे हो, अब मैं मेरी बेटी को कुमारी को रख लूंगा, लेकिन तुम लोगों से ब्याह करने वाला नहीं, मैंने वीरों को आमंत्रित किया था कायरों को नहीं, और आज भरी सभा में मुझे घोषणा करनी पड़ेगी कि पूरी धरती इस वक्त वीरों से खाली हो चुकी है। सब राजाओं ने कान बंद कर लिए, शर्म से सिर झुका लिए, लेकिन एक वीर ऐसा था खड़ा हुआ, सहन न कर पाया, भुजाएं फड़कने लगी, पांव कंपित होने लगे, बाहें खिंचने लगी, ये शब्द सुनते ही कौन है वो, बाबा तुलसी ने उसका नाम वर्णन किया, माँ के लखन कुटिल भरी बाहें और लक्ष्मण भी खड़े हो गए। महाराज को फटकारते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, बस महाराज इसके आगे आप मत बोलिएगा, इतनी बड़ी बात आपने एक पुराने धनुष के लिए कह दी, आपको पता होना चाहिए महाराज जिस सभा में रघुवंशियों का कोई छोटा बच्चा भी बैठा हो तो वहां कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, और आपने यहां मुझे नहीं देखा, मैंने भगवान राम को नहीं देखा एक पुराने धनुष के लिए। सुन लो राजा महाराजाओं और जनक महाराज, आप भी मेरे भगवान राम की आज्ञा कर दे तो ये धनुष की क्या पूरे ब्रह्मांड को उठाकर करते गड़े के समान बढ़ कर भोग सकता हूं, आपके गड़े भी डालो बहुत बोले, एक बार मेरे गुरुदेव आज्ञा कर दे तो दो दिन सब प्रमाण वही धाव धनुष को लेकर के सौयोगन तोड़ सकता हूं। और जब लक्ष्मण जी बोल रहे थे ना, वो पूरा महल कांपने लगा, लखन सको तो बटन दे बोले लगा कि शायद मैंने कुछ अनुचित बोल दिया, इसलिए
जनक जी सिर झुका दे, और ऐसा कोई महापुरुष सिर झुका दे ये भगवान को सहन नहीं होगा। तो भगवान ने लक्ष्मण की ओर तिरछी नजरों से देखा और ढांट लगाई लक्ष्मण जी को। भगवान ने कहा, लखन ये क्या है, तोड़ना मुझे और खड़ा हो गया तू, चल बैठ जा अपनी जगह। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु लेकिन मैं तो सब भूमिका बना रहा था, तोड़ना आपको ही है, मैं तो जरा सब भूमिका बना रहा था, सबको डरा रहा था। भगवान ने कहा, तो ऐसा कहना था ना मुझे, और कब से जनक 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 बोले जा रहा है, तुझे पता नहीं वो हमारे ससुर जी होने वाले हैं, जनक जी कहकर बोलता, और किसी के नाम के आगे जी लगा दो ना तो बड़ा खुश हो जाता है। हाँ, नाम में जी और रोटी में घी, ये दोनों ही स्वादिष्ट लगते हैं। हाँ, दोनों ही अच्छे लगते हैं। किसी के नाम में आगे जी लगा दो ना बहुत खुश हो जाता है। इसलिए हमारे यहां देखो जीदा जी के भी सामने जी शब्द आ रहा है, जीदा जी, जीदा जी बड़े खुश होते हैं। किसी का भी आगे जी शब्द लग जाए बड़े खुश होते हैं। कहा कि भाई एक बार कम से कम जनक जी तो कहा होगा। लक्ष्मण जी शांत होकर के बैठ गए और पूरा माहौल शांत। अब क्या होगा, उसी समय गुरुदेव ने अच्छा अवसर देखा और राघव को इशारा कर दिया, राघव जाओ, उठ हो राम भंजन बच्चे लोग धनुष तोड़ेंगे, मजाक उड़ाने लगे। जाओ, उनको कोई छोटी धनुहिया नहीं है, हमें भी ऐसा लगा था कि अभी उठाकर तोड़ दूंगा। सीता जी की मां भी थोड़ी चिंतित हो गई, माता सुनैना आंख में अश्रु आ गए, अपनी दासियों को अपनी सखियों को कहने लगी कि महाराज को क्या हो गया है, मैं नहीं चाहती कि इस राजकुमार की भी कोई बेइज्जती करे, कोई अपमानित करे, मुझे पसंद नहीं है, इसको रोका जाए। तो वो सखी बहुत बुद्धिमान थी, उसने अपनी सुनैना मां को कहा कि मां इनके चेहरे पर तेज को देखो, क्या अद्भुत तेज है, और मैंने संतों से सुना है मां कि तेजवान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रवि मंडल देखत तब लागा लेकिन उदित तास त्रिभुवन कम भागा, सूर्य देखने में जरूर छोटा लगता है लेकिन उदित होता है ना तो संसार को प्रकाशित कर देता है। तेजवान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए मां, तेजवंत लघु गण्य हरान, मां को थोड़ा संतोष मिल रहा है। भगवान राम चलते हुए आए धनुष के पास, सीता जी ने भी अब गणेश भगवान को इशारा कर दिया कि हे गणपति अब जरा ध्यान रखना, प्रभु तोड़ने आ रहे हैं ना तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तोड़ पाएंगे कि नहीं, इसलिए हे गणपति आप खुद ही धनुष के भीतर बैठकर खुद ही तोड़ देना, मेरे प्रभु को बल्लन बल्लन लगाना पड़े। असल में सीता जी ने जब भगवान को कल बगीचे में देखा था ना
तो चार फूल भगवान उतारे थे, उतने में भगवान को पसीना आ रहा था। तो सीता जी ने सोचा कि जिसको चार फूल तोड़ने में पसीना आया हो वो धनुष का खाप तोड़ पाएगा। तो सीता जी को पूरा भरोसा नहीं था। भगवान राम आए धनुष के पास और जैसे कोई गरु सर्प को देख रहा हो ऐसी नजरों से भगवान धनुष को देख रहे थे। पांच परिक्रमा किए और देखते ही देखते राजाओं के मध्य में भगवान ने खेल खेल में जैसे कोई बालक खिलौना उठा लेता है ऐसे ही मेरे सरकार ने दोनों भुजाओं से धनुष को उठा लिया। बोलिए राम चंद्र भगवान की जय। सब राजाओं को भी आंखें खुली रह गई कि ये क्या, ये सच है जो मैं देख रहा हूं। बगल वाले को पूछ रहे तू बता ये सत है क्या? उसने कहा लगता तो सत है। धनुष उठा लिया, एक ने कहा उठा तो लिया लेकिन उसको प्रत्यंता चढ़ाना इतना कोई सरल काम नहीं। सब लोगों की नजरें भगवान राम पर, और प्रभु ने भी सोचा कि यदि उठा तो लिया है लेकिन इसको तोड़ना हो ना तो मुझे भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि धनुष बड़ा था और जब तक ठीक से पकड़ा नहीं जाएगा ये टूटेगा नहीं, और पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा, और यदि मैंने हाथ बढ़ाया तो लोग मुझे पकड़ लेंगे कि लड़का इतना छोटा तो हाथ इतना बड़ा कैसे हो गया, पकड़ा जाऊंगा ना। इसलिए सबकी नजरें इधर उधर हो जाए, भगवान धनुष को चारों तरफ घुमा रहे कभी इधर कभी उधर कभी उधर। और उसी समय लक्ष्मण जी ऊपर सिंहासन से नीचे कूद गए, और लक्ष्मण जी का शरीर भी जरा कुछ ऐसे हिल रहा था। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को देखा कि अब तुझे क्या हो रहा, तुझे भी जोश आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं मैं तो जरा धरती को सावधान कर रहा हूं, दिक्पालों को सूचित कर रहा हूं कि अब भगवान तोड़ने जा रहे हैं तो कहीं डर के मारे उनके हाथ से पृथ्वी छूट न जाए, इसलिए जरा धरती को ठीक से पकड़ करके रखे। सारी तैयारी हो गई, लक्ष्मण जी ने इजाजत दे दी, मालिक शुरू हो जाइए हमने सारी तैयारी कर ली। और उसी समय भगवान राम ने देखते देखते धनुष को बीच में दबाया, प्रकाश का कुंज निकला, सभी राजाओं की आंखें बंद हुई और खुली, इसी मध्य में भगवान ने दो खंड कर दिया। दिशाओं के जो हाथी हैं दिग्गज हैं वो सब एक दूसरे से टकराने लगे। एक दिगत गोर भी एक गोर भी खर्ब पाप पर समुद्र सर प्यार पधित कहीं का विकर तिजपाल तरातर दिग्गजन लखर सब लखराने लगे। और यही नहीं उसी समय रावण भी सिंहासन से नीचे गिर गया, और कहते हैं रावण के भी दसों मुकुट गिर गए। निगत गुरु भी यत गुरु भी खर्ब पाप पर समुद्र सर जा पधित कहीं का विकल दिखपाल तरातर दिग्गजन लखर परत दशकंद दशकंद दसवें वाला रावण किया। लेकिन बाद में सबको पता जैसे जैसे लगा सब देवताओं ने पुष्प की दृष्टि करते हुए जय घोष किया, मोरि रामचंद्र भगवान की जय। और अब सखियां मंगल गीत गाती हैं।
जियाजू को साथ में लेकर वरमाला लेकर के आई हैं और भगवान राम धनुष को एक तरफ करके खड़े हुए। सबने प्रार्थना किया कि सरकार थोड़े झुक जाओ ना, सियाजू हमारी छोटी है, आप लंबे हैं, मुकुट पहना है और लंबे हो गए हैं। तो भगवान संकोच कर रहे थे झुकने में। भगवान ने सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि धनुष तो तोड़ दिया लेकिन देखो घरवाले के सामने कैसे अभी से झुक गया। तो भगवान ये सोचकर थोड़े संकोच कर रहे थे, नहीं नहीं मैं झुकूंगा नहीं, आप पहनेंगे ना। झुकी जइयो तनिक रघुवीर
धरती को न क्षत्रिय कर दिया था, क्षत्रिय विहीन कर दिया था धरती को 21 बार। जिस परशुराम का नाम सुनकर बड़े बड़े राजा महाराजा कांप जाते हैं, ऐसे परशुराम दिवाने हैं। परशुराम जी की आने पर क्या स्थिति हुई सभा में, सुनी आगे की चौपाई में। देखी महीप सकल सपुताने, देखी महीप सकल सपुताने, देखी महीप सकल सपुताने, देखी महीप सकल सपुताने, बाद झपट जनुल्य बालुकाने, बाद झपट जनुल्य बालुकाने, बाद झपट जनुल्य बालुकाने, पक्षियों के झुंड में अफरा तफरी मच जाती है, चारों ओर अफरा तफरी मची। कोई कुर्सी के पीछे छुपने लगा, कोई खंभे के पीछे छुपने लगा, कोई कोई कुर्सी के नीचे ही घुस गया, और कदाचित कोई भूल से सामने आ जाता ना, उसको तो गलता दिवस चल गया। ऐसे बाप दादा का नाम लेकर प्रणाम करता जिसको परशुराम जी अच्छी तरह से पहचानते हैं। बाबा मैं वो फलां राजा का बेटा, आप मेरे घर आते थे ना बाबा, मैं उस वक्त छोटा था, आपको जल में ही तो पिलाता था, मैं वही राजा हूं बाबा। परशुराम जिसकी ओर देख लेते उसको लगता कि बस काल मुझे देख रहा है। ये सब स्थिति ऐसी हुई। परशुराम ने जनक जी को पूछा कि जनक, याद मेरे पूछे बगैर इतनी शक्तियों क्षत्रियों की सभा यहां कैसे, क्या आपको पता नहीं कि मेरी इजाजत अनिवार्य थी। जनक जी ने कहा, महाराज आपसे क्या छुपाऊं, मैंने ऐसा प्रण किया था मेरी बेटी के विवाह के लिए कि जो भी शिव जी के धनुष को पतंगा चढ़ाते हुए इसको तोड़ देगा उसके साथ मैं मेरी बेटी का विवाह करूंगा। ये सुनते ही परशुराम की नजर धनुष पर गई, शिवजी का धनुष, शिवजी परशुराम के गुरुदेव, अपने गुरुदेव के धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम के पैर का क्रोध सिर पर चढ़ गया, फरसा कांपने लगा हाथ में। परशुराम ने कहा कि ए जड़ बता इस धनुष को किसने तोड़ा, उस व्यक्ति को अलग कर दो, मैं उसको मारकर चला जाऊंगा, वरना यहां जितने राजा आए हैं आज सब मारे जाएंगे। जब ऐसा कहा कि सब मारे जाएंगे तो जो कुर्सी के नीचे राजा छुपे थे ना वो सब आपस में बातें करने लगे कि सुना सुना तुमने, धनुष में भी तोड़ सकता था ना, लेकिन मुझे पता था बाबा आने ही वाला, इसलिए मैं तो बस केवल छू कर चलाया, अब ये बेचारा तोड़ा है मारा जाएगा। दूसरे ने कहा, मैं तो तेरे कहने से रुका था, मैं तो जाने वाला था घर, तूने मुझे बिठाया था कि बैठो, क्या होगा, मैं तो मेरी मैया का इकलौता बेटा, तुझे पता है 108 एकादशी व्रत के बाद मेरा जन्म हुआ था, तेरे कारण मैं बैठा हूं। सब राजा महाराजा ऐसी बातें करने लगे, और भी ऐसी कथा है लक्ष्मण जी और परशुराम का जबरदस्त संवाद, लेकिन समय अभाव है इसलिए संक्षेप में आपको बताऊं, और वैसे भी शादी विवाह में लड़ाई कहां अच्छी लगती है। परशुराम जी और लक्ष्मण जी का जबरदस्त तकरार हुआ है, और फिर
कही जय 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 रघुकुल के तू रघुपति गए पत्र लेकर राम लखन
Thank you.
पर दूल्हा बने हुए आते हैं मंडप आई हैं, भगवान के बगल में विराजमान होती हैं और ब्राह्मणों के द्वारा जो विवाह की विधियां हैं वो आरंभ होती है। बाबा तुलसी के शब्दों में जरा संक्षिप्त में आपको बताऊं, हिमवंतु धीमी धीमी का महेश्वरी हरि शुरू हुई और उसके बाद जो एक अंतिम नियम होता है राम सिया सिर सिंदूर दे करूंगा। दो मिनट आओ रुकेंगे।
आरती से पहले विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट जो बापूजी द्वारा स्थापित है उसके स्वयं अध्यक्ष हैं। हर साल बापूजी के सानिध्य में होता है। इसी के कड़ी में आज राम और सीता विवाह के उपलक्ष्य में रमेश चंद्र सिंह नेगी जो नैनी इलाहाबाद प्रयागराज से हैं, आपने एक गरीब कन्या विवाहित 31,000 रुपये का ट्रस्ट में सहयोग किया है। आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आए, कुछ बापू जी से आशीर्वाद लें। नेगी जी, आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आगे की सूचना विवेक जी आपको देंगे। जय श्री राम। श्रीमान रमेश नेगी जी को उनके इस सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। और यहाँ पर इस कथा श्री राम कथा के आयोजन हेतु भी उनको धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में श्री रमेश नेगी जी का सम्मान करेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि ये श्री राम कथा का आयोजन यहाँ पर इस प्रांगण में जो हो रहा है, ये भोले बाबा की इस नगरी के अंदर में, इस तीर्थ के अंदर में जो यह आयोजन किया गया है, उस आयोजन अभी एक संकल्प लिया गया है और जिस संकल्प के लिए इस गांव के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी भी कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आस पास के और इस गाँव के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर मंदिर के निर्माण आए हुए कुछ सहयोग राशियों की घोषणा करना चाहता हूँ। बापू जी के सानिध्य में श्री रोशन ड्राइवर जी नवलापुरा से 1100 रुपए का सहयोग राशि दिया है उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए। रामसी दंदुआ घुनेरी से 1000 रुपए का धनराशि दिया है। हरवंश लाल शर्मा जी बयाना से 1100 रुपए की धनराशि दी है। रामेंद्र गांव सूता से 551 रुपए की धनराशि दिए हैं। श्री विजय अग्रवाल जी 501 रुपए की धनराशि दिए हैं। श्री पहलाद जी 1100 रुपए की धनराशि दिए हैं। श्री रूपे पटेल ज्ञानी जी 1100 रुपए, श्री रूप सिंह मास्टर जी 1100 रुपए, श्री संतराम पुत्र श्री विजेंद्र जी 1100 रुपए, श्री रतिराम मास्टर जी 1100 रुपए, श्री जोमदार पटेल जी 1100 रुपए, श्री जैसीराम जी 1100 रुपए, श्री अतर सिंह पुत्र चरण सिंह 1100 रुपए, श्री ईदन सिंह जी 1100 रुपए, श्री प्यार सिंह 1100 रुपए, श्री प्रेमराज होलदार जी 1100 रुपए, श्री देशराज पुत्र श्री मोहन सिंह पटेल 1100 रुपए, श्री ओमा पंडित बयाना 1100 रुपए, श्री निर्भय जी नवलापुरा से 1100 रुपए और पंडित श्री बाबूलाल जी महंत श्री बिहारी जी मंदिर बयाना से उन्होंने भी 1100 रुपए की सहयोग राशि यहाँ पर इस मंदिर के निर्माण हेतु दी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर भंडारी हेतु 1100 रुपए के मूलचंद्र श्री खुड़ासा से और रामलाल जी रायपुर से इन्होंने सहयोग राशि दी है, इनके लिए भी धन्यवाद करेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ में। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आरती के लिए महारुद्र महाकाल विशाल जी महाराज को, श्रीमती ललिता जोशी जी को, श्री रमेश चंद्र नेगी जी को, करु माता जी को, श्री सतीश चंद्र नारंग जी, श्रीमती राज नारंग जी, श्री श्याम कुमार शुक्ला जी, श्रीमती उषा शुक्ला जी, श्री गणेश कुमार जोशी जी, श्री ओमा पंडित जी बयाना से हैं, श्री चंद्रप्रकाश गुप्ता जी, श्री प्रहलाद कुमार जी, श्रीमती रेखा जी और यहाँ पर गांव के आसपास के गांव के जो भी लोग, जो भी बुजुर्ग हमारे साथी यहाँ पर मंच पर आकर के आरती करना चाहते हैं, हर एक गांव से एक एक व्यक्ति यहाँ पर मंच पर आ सकते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है मंच पर आरती के लिए। लखन सिय जनक दुलारी Oh.
मन में उपस्थित सभी भाव से हो।